हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नजर। आज हम जो आपके सामने कहानी दोहराएंगे, कोरोना पॉजिटिवों के दर्द को दिखाएंगे, बरुआ सागर का जो कोविड सेंटर है उसमें व्याप्त अव्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। कहीं ना कहीं आप चौंक जाएंगे, कहीं ये शोले फिल्म की शूटिंग का रीटेक तो नहीं है। जी हाँ, ये कोई शोले फिल्म की तरह नहीं है। लेकिन तीसरी मंजिल पर जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव जो बरुआ सागर के अस्पताल में दाखिल है, मरीज भर्ती है, वह तीसरी मंजिल पर जाकर अपने हक की लड़ाई अपनी आवाज को उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं ना उन्हें पानी की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है। हमें जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें शोले फिल्म की याद दिलाता है ये सीन कि पानी की टंकी पर चढ़कर शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने जो किरदार निभाया था उसकी कहीं ना कहीं एक झलक दिख रही है। हालांकि धर्मेंद्र ने बसंती के लिए वो नाटक किया था, वो एक नाटक था, वो एक फिल्म थी, लेकिन आज ये हकीकत है। ये जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव तीसरे माले पर चढ़कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दम भी दे रहे हैं कि अगर हमें भोजन पानी की व्यवस्था नहीं मिली तो हम खून जाएंगे। इस तरह से शोले फिल्म में भी अगर हम वीरू की बात करें तो वो भी इसी तरह कह रहे थे, लेकिन वो एक फिल्म थी, वो एक नाटक था। यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव है, इनका दर्द है, इनका दर्द प्रशासन को क्यों नहीं सुनाई दे रहा, ये क्यों छतों पर चढ़कर चिल्ला रहे हैं। यहाँ एक वीरू नहीं, 6-7-8 वीरू एक साथ दिखेंगे आपको पूरे छत पर। ये पूरी कहानी आपको हम सुनाते हैं, इनके दर्द को सुनाते हैं, किस तरह से ये बद से बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार भले चाहे कितने दावे करे, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कितनी भी ताकत झोंक दें कि कोरोना पॉजिटिवों को हर संभव मदद दी जाएगी, कोरोना चेन को तोड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरह बरुआ सागर में व्यवस्थाएं व्याप्त हैं उसको देखकर शायद ऐसे नहीं लगता है कि यह इतना सरल होगा। हम आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं, इनका दर्द सुनाते हैं, आइए सुनिए। देख लो, 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 देख ल